जैसे हम सब आज उत्सव के लिए आए हैं, हम सब जानते हैं आज श्रावण मास का पूर्णिमा दिन है। श्रावण पूर्णिमा अपने हिंदू समाज की परंपरा में एक विशेष महत्व रखता है। आज एक उत्सव है जिसको हम राखी बंधन रक्षाबंधन कहते हैं। वैसे अपने हिंदू समाज में उत्सवों के तीर्थ त्योहार की कमी नहीं है। मेरी मातृभाषा कन्नड़ है, उसमें हम कहते हैं 365 दिन है और उत्सव 366 है। बंगला में कहते हैं आप 12 महीने हैं, 13 महीने के उत्सव क्या ऐसे कुछ कहते हैं। तो हिंदू समाज के लोग इतने उत्सव मनाते हैं, उत्सव के लोग हैं हम, लेकिन हर उत्सव के हर पर्व के हर तीर्थ त्योहार के का विशेष स्थान महत्व है अपने पौराणिक ऐतिहासिक भिन्न कारणों से। और लगभग 7-8 हजार वर्षों के इतिहास की सभ्यता में ये स्वाभाविक है, क्योंकि हिंदू समाज के जो सभ्यता का प्रवाह है ये तो खंडित हुआ ही नहीं, लगातार चल ही रहा है। विश्व के अन्य अन्य सभ्यताओं में सिविलाइजेशन में बीच बीच में खंडन हो गया, भूमि वही है, देश वही है, लोग भी उनके ही संतान है पूर्वजों के, लेकिन सभ्यता संस्कृति बदल गई। आज ग्रीस देश में जाकर देखेंगे, रोम में जाकर देखेंगे, वहां के इतिहास तो पुराना है। इजिप्ट में हम इतिहास में पढ़ते भी हैं, उन सबके सिविलाइजेशन के का विशेष महत्व रहा है। परंतु आज लोग बदले हैं और वहां इतिहास सब क्या हो गया, म्यूजियम में, संग्रहालय में है देखने के लिए, ग्रंथों में है, जीवन में वो पुरानी बात नहीं है, बदल गया है। भारत में ऐसे नहीं है, हिंदू समाज के आज भी यदि वेद व्यास महर्षि आ गए या पौराणिक काल के कोई ऋषि आ गए तो उनको लगेगा वही भारत है, लेकिन हिंदू समाज की विशेषता यह भी है, हमारे चिर पुरातन है लेकिन नित्य नूतन भी है। हम प्राचीन काल के, पुरातन काल के, संस्कृति के, सभ्यता के कई बिंदुओं को आज भी जीवित रखे हैं अपने व्यक्ति कौटुंबिक सामाजिक जीवन में, परंतु आधुनिक काल के भी हम स्वागत करते हैं, उसका भी आलिंगन करते हैं। दुनिया के सामने आधुनिक काल के तंत्र ज्ञान के साथ खड़े होने के हमारे तैयारी भी है, सिद्धता है। यही कारण है कि चंद्रमा पर चंद्रयान अपने लोग कर सके। तो इसलिए हम नित्य नूतन चिर पुरातन, इसलिए इस अपने धर्म को, संस्कृति को सनातन कहा है। एष धर्म सनातन, जैसे एक पुराना पेड़ रहता है, कोई पीपल का है, अश्वत्थ वृक्ष है या कोई सैकड़ों साल से है, उसके जड़े गहराई से नीचे, जमीन के नीचे बहुत गहराई और फैल भी गया है अंदर, तन भी मजबूत है, शाखाएं हजारों की संख्या में है। तो जड़ पुराने हैं लेकिन पत्ते, फूल, फल वो हर सीजन में, हर ऋतु में नए नए आती है। तो इसलिए वो वृक्ष पुरातन वृक्ष है लेकिन उसके अंदर नयापन दिखता ही है, वो प्रकृति के साथ नाच रहा है, वो प्रकृति के साथ
हंस रहा है, वो निसर्ग में गा रहा है, वो लोगों को आनंद दे रहा है, लेकिन अपने जड़ में मजबूती से वो खड़ा है। हिंदू समाज भी उसी प्रकार के हैं। जगन्नाथ सरकार जी बंगाल के ही थे, बहुत बड़े इतिहासकार हुए। उन्होंने हिंदू समाज को इसी प्रकार के अश्वत्थ वृक्ष के साथ तुलना करते हुए उन्होंने कहा, हिंदू समाज भी ऐसे वृक्ष के समान है। तो रक्षाबंधन के आज के पर्व पर मैं आप सभी को, आपके परिवारजनों को, समस्त समाज को हृदय से शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देता हूं। आने वाले वर्ष हम सभी के लिए सुख, संतोष, समृद्धि, शांति के पर्व बने। हम सबके लिए ये कहने पर जब हिंदू सोचता है केवल मेरे लिए, मेरे घर के, मेरे समाज के, मेरे बिरादरी के लोगों के लिए नहीं, हम सबके लिए ने सारे विश्व के लिए, सारे मानव जाति के लिए, समस्त प्रकृति के लिए आने वाला वर्ष आनंददायी हो, यही मंगल कामनाएं हम सभी करते हैं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्भवेत्। यही प्रतिदिन की प्रार्थना है अपने समाज के, सब सभी के लिए। रक्षाबंधन इसके महत्व पौराणिक भी है। हम सुनते हैं पौराणिक काल में देवों के राजा इंद्र को उनके पत्नी शची देवी ने उनके हाथ में रक्षा बांध दी, यानी पत्नी पति को रक्षा बांधने की भी परंपरा हमारे यहां रही है। हम ऐतिहासिक काल में देखते हैं गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर बंगाल में जब अंग्रेजों के विरुद्ध में आंदोलन के स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया, नदी के तट पर हजारों लोगों को इकट्ठा करके उन्होंने राखी बांधकर संकल्प लिए और संकल्प दिए सत्तर लोगों को दोहराने के लिए कहा। यह ऐतिहासिक काल में एक निश्चित कार्य के लिए संकल्पबद्ध होने के लिए रक्षा बांधने के एक प्रसंग रहा। तो उसमें हम जिस कार्य के लिए प्रण लिए हैं, संकल्प लिए, उसको पूरा करेंगे, इसलिए हाथ में राखी बांध ली। सांस्कृतिक दृष्टि से भी अपने समाज में रक्षाबंधन के उत्सव चलता है, जो हम सब अभी घर घर में करते हैं। मैं कल शाम को मालदा शहर के सड़कों पर जा रहा था तो देखने को मिला सायंकाल दुकानें खुले हैं रविवार होने पर भी, और बड़ी संख्या में माता भगिनी दुकान है और हर जगह पर राखी दुकानों पर है, तो राखी लेकर जा रहे हैं। तो बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं। तो इसलिए अभी सांस्कृतिक दृष्टि से बहन भाई को राखी बांधना यह हो गया है। तो इसलिए मैंने कहा पत्नी पति को भी बांधती थी, समाज के लोगों को भी बांधने का गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने संकल्प के लिए उसका उपयोग किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने समाज में भ्रातृत्व को, सोदर भाव को, भाईचारे को, हम सब एक समाज के है, हम सब बंधु भगिनी है, इंदव सोदरा सर्वे, इस भाव को जीवन में उतारना चाहिए। इसलिए इस पर्व के समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने रक्षाबंधन के उत्सव को इस दृष्टि से मनाना प्रारंभ किया। आज देश भर में रक्षाबंधन के उत्सव इसी संदेश के साथ, इसी उद्देश्य के साथ हो रहा है। अपने समाज विविधतापूर्ण, अपने समाज के अंदर कई प्रकार की पंथ संप्रदाय हैं, भाषा भाषी लोग हैं, इसी मात्रा में बंगला भाषा बोलने वाले भी हैं, नेपाली भाषा बोलने वाले भी हैं, हिंदी भाषा बोलने वाले भी हैं, तो एक मालदा शहर में भी इतनी विविधता है।
समस्त भारतवर्ष में सैकड़ों हजारों भाषा बोलियां हैं, इतने प्रकार की विविधता है। ये सब होने के पश्चात वेद भी एक वेद है तो चार वेद है, कोई ऋग्वेदी है कोई यजुर्वेदी है, तो कितने प्रकार की विविधता है। लेकिन इन सबके अंतर्गत उसके पीछे उसके अंदर एक एकता के प्रवाह है। भारत के व्यक्ति तीर्थ यात्रा में जाता है तो रामेश्वर में जाता है, वहां प्रभु श्री राम ने जिस शिवलिंग को स्थापना की उसकी पूजा करता है, और जाते समय उत्तर भारत में जो गंगा जी बैठी है वो गंगा जी को लेके जाते हैं और वहां शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। उत्तर से दक्षिण को जोड़ रहे हैं, पूर्व से पश्चिम को जोड़ते हैं। इसलिए समस्त भारतवर्ष में हम एक हैं, भले ही विविधता है, ये विविधता उस एकत्व के ही अभिव्यक्ति है, प्रकटीकरण है। मूल में हम एक हैं, उसके प्रकटीकरण हजारों प्रकार से हुए हैं, इसलिए आपस में हमारी कोई एक दूसरे के साथ भेदभाव, नफरत, द्वेष, झगड़े, झंझट ये नहीं रखना है। यही हमारे पूर्वजों ने हमें अपने आचरण से संदेश दिया है। आदि शंकराचार्य ने केरल के कालजी से निकले, पूरे देश में उन्होंने यात्रा की, देश के चार स्थानों पर उन्होंने मठ की स्थापना की, दक्षिणामनाय, उत्तरामनाय, पूर्वामनाय और पश्चिमामनाय, श्रृंगेरी में, द्वारका में, भद्रकाश्रम और कुई। आधुनिक काल में स्वामी विवेकानंद कोलकाता से निकले, कन्याकुमारी पहुंचे, पूरा भारत के परिक्रमा किए और विदेश से वापिस आए, कोलंबो से हिमालय तक का वो यात्रा की, यानी उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। प्राचीन काल में प्रभु श्री राम ने सरयू नदी के तट से रामेश्वर तक पहुंचे, भगवान कृष्ण पश्चिम से पूर्व तक, द्वारका से लेकर मणिपुर तक। इसलिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो समाजवादी विचार के बहुत बड़े नेता रहे, उन्होंने भारत की इस एकता को, एकात्मता को अपने एक प्रसिद्ध लेख में उन्होंने अंकित किया। उस लेख का शीर्षक है राम कृष्ण शिव। लिखने वाले समाजवादी नेता, कहने के लिए हिंदुत्ववादी तो नहीं, परंतु डॉक्टर लोहिया लिखते हैं भारत की एकता राम कृष्ण और शिव के कारण स्थापित हुई है। राम कृष्ण शिव के स्मरण से ही भारत की एकात्मता जीवित है। राम उत्तर से दक्षिण को भारत को जोड़े हैं, कृष्ण पूर्व से पश्चिम को भारत को उन्होंने जोड़ा है, शिव तत्व तो समस्त भारतवर्ष में विद्यमान है। इस प्रकार लोहिया जी कहते हैं अपने लेख में भारत की एकता, यह बार बार प्रकट हो गई। लाल बाल पाल, लाला लजपत राय पंजाब, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र, बिपिन चंद्र पाल पर बंगाल, लेकिन लाल बाल पाल स्वतंत्रता आंदोलन में एक साथ था, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह पंजाब के, राजगुरु महाराष्ट्र, सुखदेव उत्तर प्रदेश। भारत एक, भारत की एकात्मता यह आज भी उसके अंदर के जो तत्व है वह मजबूत है, सुदृढ़ है। हम हिंदू समाज एक विविधता के कारण, हम आपस में भाषा के कारण, जाति बिरादरी के कारण, अगड़ा पिछड़ा कर ऐसे कहकर हम एक दूसरे को लड़ते रहेंगे, उसका लाभ क्षुद्र मन के लोग अपने राजनीति के लिए, अपने मत प्रचार के लिए, अपने आधिपत्य को स्थापित करने के लिए उसका दुर्लाभ लेंगे। ये इतिहास
अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो इस नीति को अपनाकर भारत में अपने ही समाज को हिंदू समाज के लोगों को आपस में लड़वा कर उन्होंने राज किया, ये इतिहास का अनुभव है। क्या हम इतिहास से पाठ सीखना नहीं चाहिए? हम आपस में लड़ेंगे ना, हमें उसका लाभ है या दूसरों से हमें छुटकारा नहीं है, इसलिए खड़े होना पड़े। बांग्लादेश में परिस्थिति विकटतम हो गई है, हम सब जानते हैं। इस परिस्थिति में वहां के हिंदू समाज की स्थिति क्या हुई, मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, हम सीमा पर ही बैठे हुए। 1947 में जिस भूभाग को यहां से अलग किया गया वो हिंदू समाज नहीं रहा, हिंदू राष्ट्र के हिस्सा नहीं रहा, इस्लामिक राज हो गया। पश्चिम में भी 1947 में वह हिंदू कितने थे, आज हिंदू कितने प्रतिशत बचे हैं, यहां बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति को मालूम है। आपके रिश्तेदार भी उस पड़ोसी देश में होंगे, आप में से कई लोगों के पूर्वज वहीं से यहां आए होंगे, इसलिए मुझे आपके सामने उस इतिहास को दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम सब प्रतिदिन उसको स्मरण करते होंगे, अनुभव करते होंगे। ऐसे संकट के समय में भारत के लोग खड़े हुए, भारत के सरकार बोले, देश भर में बांग्लादेश के हिंदू और अल्पसंख्यकों को रक्षा करने के लिए आवाज उठी। दुनिया के कई शहरों में मैं कल रात को एक वीडियो देख रहा था, तेलंगाना के एक गांव के एक गुरुकुल के विद्यार्थी बांग्लादेशी हिंदू बंधुओं हम आपके साथ है ऐसे वो जुलूस निकालेंगे। गुरुकुल के विद्यार्थी, यानी दूर तेलंगाना के वो गुरुकुल के विद्यार्थियों को भी लगता है बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ हमें खड़े रहने चाहिए। संकट के काल में तो आवाज उठी, कोविड आया, कोरोना के उस बीमारी के दौरान समाज के लोग एक दूसरे को सहयोग करने के लिए तो आए, अच्छी बात। संकट के काल में हम एक रहना चाहिए, कैसे संभव हुआ? हिंदू भाव है, देश के भाव, एकात्मता के स्वभाव है, लेकिन जब इसको भूलते हैं तब समस्या होती है। जब जब भूले हिंदू भाव को आई विपद महान, जब जब भूले हिंदू भाव को आए विपद महान, भाई टूटे धरती कोई मिटे धर्म संस्थान। हिंदू भाव को भूलने से भाइयों के आपस में भाईचारा समाप्त हुई, धरती को इतिहास है। जहां जहां हिंदुत्व के कुछ न कुछ कमी आई, उनके संख्या कम हो गई, हिंदुत्व के भाव कम हो गया, हम एक समाज के लोग हैं, इस प्रकार के आचरण और व्यवहार में कमी आई, इस दोष के कारण, इस कलंक के कारण, इस अपराध के कारण हमने धरती कोई है। इतिहास के पन्नों को आप उन्हें पलट कर देख लीजिएगा, इतिहास है। इसलिए इतिहास से हमको सबक सीखना चाहिए। संकट के काल में तो एक आने के कई उदाहरण मिलते हैं, शांति काल में भी हमें परस्पर सहयोग से भाईचारे से रहना पड़ेगा, वो भी आवश्यक। विकास के लिए सहयोग आवश्यक है, शांति के लिए परस्पर समन्वय और सहयोग आवश्यक है। जो परस्पर सहयोग समन्वय न रखते हुए, भाईचारा नहीं रखते, केवल स्वार्थ रखते हैं, वो राक्षसी प्रवृत्ति है। दूसरों के सहयोग देना यह दैवी प्रवृत्ति है। कहानी है, उनको मालूम होगा, राजा इंद्र ने देवता और राक्षसों को भोजन की व्यवस्था की, अच्छे भोजन उनके सामने परोस दिया, लेकिन एक सूचना दी, पहले आपके उनको हाथ बांधेंगे दोनों, तो आपको भोजन करना है, तो आप हाथ को ऐसे मोड़ नहीं सकते,
लगा दिया, पट्टी लगा कर उसको बांध दिया, हाथ ऐसे रहेंगे तो आप खाओ। राक्षसों ने भोजन लेकर कैसे खाएंगे, तो उसको ऊपर उठा देते ऐसे करके करके पूरा चेहरे पर गिर गया, कर नहीं पाए भोजन। देवताओं ने क्या किया, वो हाथ को दूसरों के मुंह पर लेके गए, उठाया दूसरे के मुंह पर, उन्होंने मेरे ऊपर, उन्होंने हाथ मोड़े नहीं है लेकिन एक दूसरे को खिलाया, सब अच्छे भोजन कर लिए। तो दैवीय गुण क्या है, केवल स्वार्थ को नहीं सोचना, दैवीय गुण यह है दूसरों को भी खिलाना, ताकि मुझे वो भी खिलाएंगे, मेरा पेट भी भरेगा उनका पेट भी भरेगा। राक्षसी गुण क्या है, आसुरी गुण क्या है, केवल स्वार्थ मेरे लिए। तो अपने समाज में इस प्रकार के परस्पर सहयोग के समन्वय के दूसरे के प्रति संवेदना के भाव को जागृत रखने तक हम समाज एक रहे, हम किसी प्रकार के संकट का सामना कर सकते हैं। इसलिए आज रक्षाबंधन के इस पर्व पर हमें क्या संकल्प लेना चाहिए, रक्षाबंधन का क्या संदेश है, हम रक्षाबंधन में शांति और समन्वय के भाईचारा के एक संदेश, परस्पर सहयोग के संदेश है। इसलिए हम जब राखी बांधते हैं ये संकल्प है, हम अपने जीवन में उन्नति के लिए, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए स्वयं प्रयत्न करें, और अपने समाज में इतने सब प्रकार की विविधता होने पर भी हम उस कारण से आपस में नहीं लड़ेंगे। वो कथा क्या है, हमारे देश में एक चुनाव निर्वाचन हो गया, उसी के कारण भी एक दूसरे के ऊपर हमले कर हिंसाचार हो रहा है, एक समाज के लोग है भाई, एक भारत माँ की संतान है, हम एक रहेंगे तो ये 150 करोड़ लोग दुनिया में चमत्कार कर सकते हैं, विश्व के सामने एक हम आदर्श खड़ा करें, इतनी विविधता होने पर भी हम एक हैं। भारत ने दुनिया को योग दिया, वेद दिया, आयुर्वेद दिया, संस्कृत दिया, कुटुंब के पद्धति सिखाई, भारत ने इतने सब दिए, कौन दिए, हमारे पूर्वजों ने दिया, इस पीढ़ी को क्या करना है, योग हमने नहीं किया हमारे पूर्वजों ने किया है, आयुर्वेद हमने न को निकाला हमारे पूर्वजों ने किया, कुटुंब पद्धति किसने बनाई हिंदू समाज में हजारों वर्षों से है, हमने नहीं बनाई, हम इसको कभी कभी तोड़ते हैं, यह पूर्वजों ने किया, इसके कारण भारत की कीर्ति दुनिया भर में है। G20 देश के अधिवेशन हुआ, भारत सरकार ने वसुधैव कुटुंबकम इस संदेश को उस अधिवेशन में दुनिया के लिए रखा, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, ये भारत की मिट्टी का संदेश है, यहाँ के संस्कृति के उद्गार है, यहाँ के मुनियों के मृत्यु विभूतियों के, यह हिमालय के चोटी पर उन्होंने दुनिया के लिए दिया हुआ मार्गदर्शन है, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, इसको कैसे हम उतारेंगे, इसके लिए प्रतिदिन के साधना चाहिए। संघ के कार्यकर्ता इसलिए शाखा जब चलाते हैं वहां यही बताते हैं, संघ के शाखा में खेल होती है, हिमालय किसकी हमारी, हिमालय किसका हमारा है, हिमालय किसका हमारा है, ये तमिलनाडु में भी कहते हैं, कर्नाटक में भी कहते हैं, शाखा में मध्य प्रदेश में भी कहते हैं, वहां तो हिमालय है ही नहीं, लेकिन एक शाखा में आने वाले सामान्य विद्यार्थी के मन में भी यह आता है, देश हम कहानी बताते हैं, केरल के श्री नारायण गुरु, तमिलनाडु के सुवर्ण भारती की, बंगाल की कोई खुदीराम बोस, शाखा में कहानी होती, शाखा में गीत होते, समस्त भारतवर्ष एक है इसका प्रतिदिन के अनुभव कराते हैं, प्रतिदिन के इसका स्मरण होता है,
तो इसलिए केवल संकट के समय हम समाज एक होता है यह पर्याप्त नहीं है। संकट के समय में भी कभी कभी नहीं होते हैं, इसलिए एकता एकात्मता यह केवल उपदेश के अध्ययन के विषय नहीं है, आचरण के व्यवहार के विषय। छोटे छोटे बातों में हम समाज के ध्यान रखें, अपने जीवन में इस प्रकार के एक पूरे देश हमारे सामने प्रतिदिन है, इसे अपने देश में हमारे पूर्वजों ने उन बातों को लाए। चतुर्धाम की यात्रा करो, द्वादश ज्योतिर्लिंग के स्मरण करो, यात्रा करो, बावन शक्तिपीठ को देखो, प्रतिदिन स्नान करते समय कहेंगे गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले सन्निधिं कुरु। ये सारी नदियां पवित्र नदियां माताएं भारत के विभिन्न राज्यों में वो बहती हैं, लेकिन मैं मेरे घर में मेरे बाल्टी के पानी में गंगा को यमुना को कावेरी को सबको देखता हूं। हमारे पूर्वजों ने कितने विचार करके सोच करके ऐसे एक एक बात को हमारे सामने रखा है और जीवन में उतारने के लिए उन्होंने पद्धतियां बनाई। इसे अपने कुटुंब में इन बातों को करना चाहिए। हमारे समाज में अगड़ा पिछड़ा इन भावों को दूर करके हम एक समाज भारत का के संतान यह लाना पड़ेगा। राजनीति में आपस में झटापट होते हैं, चार दिन के चुनाव साल भर के द्वेष को पैदा करता है। क्या हम बुद्धिमानी से देखें चार दिन के चुनाव को पांचवा दिन भूल जाएं, बाकी 360 दिन हम परस्पर भाईचारे से नहीं रह सकते, इतने बुद्धि हमारे को नहीं है। चुनाव से जो जीत गए वो जीत गए, बाकी समाज लड़ते रहे, ये क्या तरीका होता है? लोकतंत्र के कारण चलो भाई चुनाव करो, हो गया उसको बंद करो, जो जीता जीता बाकी आगे बढ़ो। नहीं, उसी के कारण साल भर में एक दूसरे की समाज में शांति गई, सुख गया, भाईचारा गई। क्या 5000 वर्षों के हिंदू समाज अपने बुद्धि से अपने इतिहास से सबक से एक अच्छे जीवन हम नहीं जी सकते? विचार करना चाहिए। हम यदि इकट्ठा होकर प्रयत्न करेंगे हम चंद्रमा पर पहुंचे, हम इकट्ठा करके प्रयत्न करेंगे दुनिया के स्वास्थ्य ठीक करेंगे, हम एकत्रित होकर प्रयत्न करेंगे विश्व के सामने श्रेष्ठ जीवन के हम उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। हमारी भाईचारा केवल मनुष्यों के साथ नहीं है, हम पशु पक्षी पेड़ पौधे प्रकृति के साथ में हमारा रिश्ता वही है। हम इसलिए नदी की पूजा करते हैं, वृक्ष की पूजा करते हैं, कागज पर यदि गलती से भी पाप हो गया तो हम उसके नमस्कार करते हैं। जड़ चेतन में ईश्वर को देखने वाली ये श्रेष्ठ संस्कृति के वारस हम हैं, इसलिए अपने को अपनी अगली पीढ़ी को इस जीवन को जीने के एक इस महान तत्व को अपने जीवन में उतारने के, क्योंकि भविष्य मानवता के विश्व के इसी पर टिकी हुई है। प्रकृति की रक्षा, समाज के अंदर भाईचारा, सब मिलकर प्रयत्न और सभी पंथ संप्रदाय सत्य है, जड़ चेतन में ईश्वर विद्यमान है। हिंदुत्व के इस संदेश को दुनिया के कोने कोने में स्थापित करने के लिए हिंदू समाज को शक्ति संपन्न होकर आत्मविश्वास के साथ हमें खड़ा होना पड़ेगा। हम स्वयं को भी बचाएंगे, उद्धार करेंगे, विकास करेंगे और विश्व को भी बचाएंगे। रक्षा वही कहते हैं हम दूसरों की रक्षा करने के लिए।
तो इसलिए रक्षाबंधन के इस अवसर पर पुनः एक बार आप सभी को मंगल कामनाएं मैं व्यक्त करते हुए इन बातों को, हिंदुत्व के इन जीवन संदेश को हम अपने जीवन में उतारने के लिए न केवल संकल्प करें, उस पथ पर अनुगामी होकर चलने के लिए प्रयत्न करें। नमस्कार।